जनता के पास मांगे बहुत हैं, उनकी ज़रूरतें बहुत हैं और उनकी समस्याएं बहुत हैं। जी हाँ, हिमाचल की बात करने के लिए हम हिमाचल की सुजानपुर विधानसभा सीट पर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जो बताएंगे कि क्या उनको नई सरकार से चाहिए और किस उम्मीद के साथ इस बार वो वोट करेंगे। आप ये बताइए कि क्या चाहिए हिमाचल को और किस उम्मीद पे आप वोट करेंगे इस बार? देखो जी, सबसे पहली बात, हम वोट करेंगे डेवलपमेंट के नाम से। जो डेवलपमेंट पहले नहीं हुई है, हम चाहेंगे कि वो होनी चाहिए। इसका रंग देखो जी, इसका देखो। हाँ। राणा जी ने यहाँ गांव में प्रोग्राम किया था, उनको बताया था, बोले मैं 10 दिन के अंदर अंदर इसको ठीक करा देता हूँ। यहाँ चलते फिरते हजारों आदमी पानी पीते हैं। कोई कह सकता है कि इसको पिया जा सकता है? नहीं पिया जा सकता इसको, डंगर में नहीं पियेंगे, वो भी बीमार हो जाएंगे, पशु बीमार हो जाएंगे। भाई हम जंगल में बैठे हैं, हमारे को सूर्य लाइट लगना चाहिए और हमारा रास्ता बनना चाहिए, इसकी बहुत समस्या है। धूमल जी की सरकार आने पर हमारा मानना है कि जो इस ये हालात चल रहे हैं ना, जैसे स्कूल है, मतलब अच्छी सुविधा नहीं है इस सरकार में। अभी जो धूमल जी की सरकार आएगी ना, हमारा मानना है, हम दिल से विश्वास है हमको कि बहुत अच्छा काम होगा। हमें पानी की कमी बहुत ज्यादा है, यहाँ पानी बहुत गंदा आता है, ये हमें साफ चाहिए। नलकों में गर्मी में पानी नहीं आता। तो फिलहाल ये सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जो चाहते हैं कि पीने के पानी की सुविधा उनको सही मिले, खेतों में आने जाने के लिए रास्ते मिले, युवा चाहते हैं उन्हें रोजगार मिले और नशे से छुटकारा मिले। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, सुजानपुर विधानसभा।